नमस्कार। सभी पत्रकार बंधुओं को मेरी तरफ से प्रणाम। आप सबको मालूम है कि अगली 21 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ योगा हम मनाने जा रहा है और हमारे देश के आदर्शवादी नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व में आज योगा सिर्फ देश के अंदर ही नहीं दुनिया का एक बहुत लोकप्रिय एक प्रैक्टिस बन चुका है और दुनिया ने पिछली 7 बार उसको निष्ठापूर्वक मनाया है। इस बार भी हमारी तरफ से इस कार्यक्रम को सफल पूर्वक मनाने के लिए हम लगे हुए हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इस बार सिर्फ आयुष मंत्रालय ही नहीं दो वी आर द नोडल मिनिस्ट्री लेकिन साथ साथ में अलग मंत्रालय भी सारी प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं। भारत सरकार की हर मंत्रालय हर विभाग इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को सफल बनाने के लिए सब लोगों ने पिछली आप लोगों ने देखा है जब से हम लोगों ने 75 डेज का काउंटडाउन शुरू किया रेड फोर्ट से द लास्ट 7th of April तब से हर मंत्रालय अलग अलग सेक्टर पर अपने मंत्रालय के अधीन में बचे हुए आइकॉनिक लोकेशन में उन्होंने योगा को बढ़ावा देने के लिए प्रैक्टिस करते आए हैं। तो हमने रेड फोर्ट के बाद जब 50 दिन के लिए हम लोगों ने शिवसागर असम आइकॉनिक डिस्ट्रिक्ट शिवडोल के पास में भी लोगों के सहयोग से योगा उत्सव मनाया और अब अगली 27 तारीख को हैदराबाद में भी 25 दिन रह जाएगा फाइनल इवेंट के लिए उसका भी हम लोग वहाँ मनाने जा रहा है। तो योग आयुष मंत्रालय के साथ साथ कल्चरल और टूरिज्म मंत्रालय भी इस प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं। तो 10,000 लोगों का सहयोग से अगली 27 तारीख को हैदराबाद में भी योग उत्सव हम मनाएंगे। जैसे आप लोगों को मालूम है कि योग के जरिए मानव समाज निरोग रहा है इसकी मकसद को लेकर ही आज योग साइंस को जिस हिसाब से मानवता की हितों के लिए आज मानव समाज विशेष रूप से मान्यता दी है इसकी वजह से आज योग का जो लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ रहा है और इनकी जो रेलिवेंस अपने डे टू डे लाइफ का जीवन पद्धति में कितना महत्वपूर्ण है इस बातों को भी आज मानव समाज विशेष रूप से महसूस किया है। तो अगली 21 जून को हम मैसूर में फाइनल इवेंट मास योगा डेमोंस्ट्रेशन होंगे जिसपे हमारे देश के आदर्शवादी नेता माननीय प्रधानमंत्री जी नेतृत्व देंगे और उसी हिसाब से देश के अलग अलग प्रांतों में 75 आइकॉनिक लोकेशन में इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाया जाएगा और सारे प्रक्रिया में हर मंत्रालय शामिल होंगे और हर मंत्रालय भी अपने विभाग अपने अलग अलग संस्थाओं के जरिए उसी दिन 75 लोकेशन में वो भी इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाएंगे। तो हम लोगों ने इस विषय को बढ़ावा देने के लिए देश की हर प्रदेश की चीफ मिनिस्टर को भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि अपने अपने प्रदेश में 75 लोकेशन में वो भी तैयारी करें और उसी हिसाब से हमारे सारे माननीय सांसदगण को भी हम लोगों ने लिखी है रिक्वेस्ट की है ताकि अपने क्षेत्र में 75 लोकेशन में वो भी जनता के सहयोग से इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाए। कुल मिला के हमारे लक्ष्य है देश और विदेश में अलग अलग स्थानों पर
इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को सफल बनाने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, तो मुझे मानना है कि जैसे पिछले 7 एडिशन के अंदर 2 हम लोगों ने गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हमने सेट किए हैं, और इस बार भी हमारा लक्ष्य है कुल मिला के 25 करोड़ जनता इस सारी प्रक्रिया में जुड़े। 75 ये जो काउंटडाउन देश की मतलब हमारे प्रोग्राम से कुल मिला के सारे प्रक्रिया में सारे प्रोग्राम में 25 करोड़ जनता जुड़ जाए, इसी लक्ष्य को हमने सामने रखकर सारे कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है। तो मुझे मानना है कि आप लोगों का सहयोग से निश्चित रूप से देश और विदेश में हमारे जो भी हिंदुस्तानी भाई बसे हुए हैं सब इस विषय को आगे बढ़ाएंगे, और आयुष मंत्रालय की द्वारा हम लोगों ने ये भी कोशिश की है कि हमारे नई पीढ़ी और हमारे ग्रामीण क्षेत्र में बसे हुए 5 लाख से अधिक ग्रामीण क्षेत्र में बसे हुए हमारे जनता भी सारे प्रक्रिया में जुड़े, और विद्यार्थियों को भी इस विषय पर जुड़ने के लिए हम लोगों ने एजुकेशन मंत्रालय के जरिए हमने कोशिश में लगे हुए हैं। और क्योंकि नई पीढ़ी आज योगा को बढ़ावा देने के लिए अगर वो निष्ठापूर्वक शामिल हो जाए तो वो भी भविष्य में मानव समाज को निरोगी रखने के लिए, सुस्वास्थ्य रखने के लिए, तंदुरुस्त रखने के लिए भविष्य में महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन में एक सरल और एक समृद्धि और साथ साथ में आनंदित जीवन हासिल करने के लिए अगर हर व्यक्ति इस प्रक्रिया में जुड़े तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ऐसा एक मानव समाज बनेगा जहां शांति होगा, जहां सुस्वास्थ्य होगा और जहां लोग हमेशा निरोगी रहेंगे। तो परम आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ऐसा एक महत्वपूर्ण अपने सोच लेकर ही यूएनओ में प्रस्ताव रखा था, और यूएनओ ने भी, दुनिया के मानव समाज ने भी, हर देश ने भी इसको बहुत श्रद्धापूर्वक स्वीकार किया है। तो ये हमारे मानव समाज के लिए बहुत बड़ा कदम है। मुझे लगता है कि आप सब अगर निश्चित रूप से सहयोग करेंगे तो हमारी इस कार्यक्रम को हम सफल बनाने में निश्चित रूप से काबिल रहेंगे। और एक जानकारी आपको दे दूं, क्योंकि दुनिया में अलग अलग समय पे अलग अलग मतलब टाइम में सूर्योदय होते हैं, उसी हिसाब से हम लोगों ने भी तय किया है कि ये जो कार्यक्रम गार्जियन रिंग्स रिले योगा स्ट्रीमिंग इवेंट होंगे जापान से शुरू होगा और न्यूजीलैंड में इसका मतलब ये होंगे एंड होंगे, तो उसी हिसाब से सारे विश्व को इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए हम लगे हुए हैं, और कुल मिला के दुनिया की 170 देश ये कार्यक्रम में जुड़ेंगे। धन्यवाद। अभी गांव तक हम इस बार ग्राम प्रधान को सारे कार्यक्रम में जुड़ने के लिए हम लोगों ने कोशिश में लगे हुए हैं, और उनके कॉमन सर्विस सेंटर के जरिए वहां तक हम पहुंचने के लिए लगे हुए हैं, और हमारी तरफ से पत्र भी जा चुका है। तो हमारा यही लक्ष्य है कि शहर और गांव दोनों जगह पर अगर लोग जुड़ जाए तो योगा की जो महत्व है इस विषय को जनता निश्चित रूप से गंभीर रूप से उपलब्धि करेंगे, और जनता के जीवन में ये बहुत बड़े काम में भी आएंगे। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से इस बार जो हमारे लक्ष्य है कि भारत कितना एक खूबसूरत देश है, और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनके निर्देश के मुताबिक आज
देश की जो टूरिज्म पोटेंशियल है, जो आइकॉनिक लोकेशन है, दुनिया इसको देखे और दुनिया को दिखाने के लिए हम उसी स्थानों पर अगर योगा करें तो निश्चित रूप से हमारे हिंदुस्तान की खूबसूरत नज़रिया और हमारे हिंदुस्तान में जो भी पोटेंशियलिटीज, पॉसिबिलिटीज एंड प्रॉस्पेरिटीज है, तो इस विषय विशेष रूप से उसको मान्यता मिलेंगे। हमारे स्कूल, यूनिवर्सिटी, NSS, नेहरू युवा केंद्र और जितना भी योगा इंस्टीट्यूशन है, सब इस प्रक्रिया में जुड़े हुए हैं। और निश्चित रूप से इस बार हमारे जो लक्ष्य है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमें विजन दी है, उसी हिसाब से हम इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को विशेष रूप से एक सफल कार्यक्रम के हिसाब से हम उसको मनाएंगे। देखिए, एक बात है कि हमारे हर मंत्रालय अपने अपने मंत्रालय की जरिए योगा दिवस मनाएंगे और उसी हिसाब से पंचायत में भी जो व्यवस्था है उसी हिसाब से लोग सब एक साथ मिलकर करेंगे, क्योंकि जनता की खुद के लिए जो भी इस प्रक्रिया में जुड़ेंगे उनकी हितों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण है, वो सुशासन रहे। क्योंकि आप लोगों ने देखा है COVID-19 पेंडेमिक के काल में योगा के जरिए लाखों करोड़ लोग इस ये जो कोरोना वायरस की आक्रमण से बचे, अपने आप को तंदुरुस्त रखे, इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ावा देने में वो सफल रहे, क्योंकि योगा ऐसा एक प्रैक्टिस है जिससे तन, मन और आत्माओं को विशेष रूप से जुड़ने का काम करते हैं। तो इसलिए लोगों का विल पावर, लोगों का इम्यूनिटी बूस्टिंग, ये सारी चीज़ों पर योगा का जो भी कंट्रीब्यूशन है, तो इसलिए आज इस विज्ञान को मानव समाज समझ रहा है। ये एक विज्ञान है जिस विज्ञान के जरिए अपने जो शरीर को आप मजबूत रख सकते हैं, तंदुरुस्त रख सकते हैं और अलग अलग वायरस के आक्रमण से अपने आपको सुरक्षित रख सकते हैं। देखिए, हम आज विशेष रूप से मैं आप लोगों से सुनिए, एक बात है, आज योगा के लिए नहीं, सुनिए, आपके पास आप देखिए इन्फॉर्मेशन है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। एक बार आपके आपके हम उससे आप विजिट करा देंगे, आप अभी मेरे साथ आरएमएल में चलिए, किसी ब्रांच में चाहिए पूरी दवाई, एक दवाई दो दो दिन। सुनिए, एक बात है, आपकी जो भी सवाल है, देखिए हमारे, सुनिए एक बात है कि आज मैं विशेष रूप से आप लोगों को आमंत्रण इसलिए किया कि आप इंटरनेशनल डे ऑफ योगा को हम सब मिलकर सफल बनाए, और साथ साथ में हमारी जो आयुष का जितना भी सिस्टम है, आयुर्वेदा हो, सिद्धा हो, यूनानी हो, सोहारिक्पा हो, योगा हो, नेचुरोपैथी हो या होम्योपैथी हो, सारे सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए आज भारत सरकार की तरफ से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जैसे बजटरी प्रोविजन दी है, जैसे हमें हौसला दी है, और पिछले 8 साल के अंदर जो सफलता प्राप्त किया है, इसके कारण आज WHO ने हिंदुस्तान में पहला ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन उन्होंने स्थापना की है। ये दिस इज द टॉलेस्ट अचीवमेंट ऑफ इंडिया इन द लास्ट 75 years इंडिपेंडेंस, ये आपको मानना होगा। इसलिए अगले दिनों में हर सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार प्रतिबद्ध है और उसी दिशा पर काम कर रहा है, और इस सफलता को आज WHO ने रिकॉग्नाइज किया है। ये हमारी हिंदुस्तानी समाज के लिए बहुत बड़ा उपलब्धि है। मुझे लगता है हर हिंदुस्तानियों को गर्व महसूस होना चाहिए, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में इतना बड़ा सफलता दुनिया में किसी भी स्थान पर ऐसा केंद्र नहीं बने हैं। WHO ने पहला केंद्र अगर किसी कहीं बनाया है, वो
हिंदुस्तान की जामनगर गुजरात में वो स्थापना की है। तो इसलिए अगले दिनों में हमारे ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन में हिंदुस्तानियों को भी नेतृत्व देना होगा दुनिया में, और दुनिया में मोर देन 170 कंट्रीज में ये जो प्रैक्टिस चल रहा है ट्रेडिशनल मेडिसिन का, उसको इंटीग्रेट करने का और रिसर्च और डेवलपमेंट सारी चीज़ों में हिंदुस्तान ही नेतृत्व देंगे। तो ये मौका पहली बार के लिए हमें मिला है, ये मौका सिर्फ संभव हुआ है माननीय प्रधानमंत्री जी का मेहनत के वजह से। इसलिए मुझे लगता है कि आप सब लोगों को इस बात विशेष रूप से मालूम भी हुआ है, तो अगले दिनों में आप सहयोग करते रहिए। निश्चित रूप से आयुष मंत्रालय ने जिस हिसाब से पिछले दिन में कोविड काल में भी जो उन्होंने काम किया है, जो दवाई उन्होंने आम आदमी को दिया है जिससे लोगों को राहत मिला है, एसिम्प्टोमेटिक माइल्ड मॉडरेट तक सीमित रखे, तो इतना बड़ा सर्विस देने के कारण आज दुनिया ने आयुष जो सिस्टम को उसको स्वीकार किया है और आज इसके क्रेडिबिलिटी दिनों दिन बढ़ रहा है और पॉपुलरिटी बढ़ रहा है। WHO World Health Organization जून को जो यूनेस्को हॉल है उसमें भी डेमोन्स्ट्रेशन होगा। ऐसे हमारे अब तो जब कर्नाटका गवर्नमेंट को जो ये सारी जानकारी मिली, माननीय प्रधानमंत्री जी मैसूर में भाग लेंगे, नेतृत्व देंगे, तो अभी जनता का रुचि बढ़ रहा है दिनों दिन। इसका नंबर अभी नहीं बता सकते, बहुत लोग उन्होंने इस सब व्यक्त किया है कि हम भी आएंगे। तो मतलब मैसूर में जैसे साहब कह रहे हैं कि अभी इतने सारी डिमांड वहाँ से आ रही है स्टेट के साथ मिलकर के, वहाँ दो तीन ऑप्शन है, लेकिन वो नंबर्स के आधार पर तय होगा, अगले दिनों में तय हो जाएगा। इतना लोगों का मैंने हम लोगों ने जो भी देखा है अभी तक, द विलिंगनेस द पीपुल हैव एक्सप्रेस एट लार्ज, सो दैट इज वाई एज पर द साइज ऑफ द यू नो द लाइक लोकेशन वी विल हैव टू कंसीडर इट। या निश्चित रूप से आप देखिए योगा अलग अलग हमारे योगा गुरु तो अपने अपने कंस्टिट्यूशन में सारी चीज़ों को बढ़ावा दी है, साथ साथ में अभी ढेर सारे एंटरप्रेन्योर्स आए हैं और अलग अलग इंस्टीट्यूशन ने भी योगा को बढ़ावा देने के लिए इच्छा व्यक्त की है। तो इसलिए जो पॉपुलरिटी दिनों दिन बढ़ रहा है, मुझे लगता है कि अगले दिनों में निश्चित रूप से हमारे लार्ज स्केल में इस विषय को आगे बढ़ाना हो। सर मंत्री जी, सर इस बार भी वो सूर्य नमस्कार में कोई कंट्रोवर्सी रहेगी? योग तो सर यूनिवर्सल है, इसमें जो है आपकी जताते हैं, तो आपका क्या कहना है? देखिए इंटरनेशनल डे ऑफ योगा इट इज लाइक यूनिवर्सल है, तो मुझे लगता है कि आप लोगों को सारे विषय मालूम है। अब हम हिंदुस्तानी होने के नाते, भारतीय होने के नाते, मुझे लगता है कि हम आप सबको, हम सब भारतीय हैं, उसी हिसाब से हमारे प्रस्ताव को जब यूएन ने स्वीकार किया है और आज इसके लोकप्रियता बढ़ने के पीछे जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का योगदान है और हर भारतीय का योगदान है, तो मुझे लगता है कि इस पर हम लोगों को गर्व महसूस करना चाहिए। अगले दिनों में हम एक साथ जुड़ जाए और दुनिया में हम नेतृत्व दे, हमारे आयुष अलग अलग सिस्टम का नेतृत्व दे, जो नेतृत्व देने के लिए आज WHO ने हमें मौका दिया है। थैंक यू।